कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं लोहे बाजार की जानकारी के साथ, जिसके अंतर्गत लोहे बाजार में मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, साथ ही एमएस स्क्रैप पुराने लोहे के भाव, कास्ट आयरन के भाव, HRC CRC कॉइल में क्या स्थिति है, किस तरीके से सरिया बाजारों में कामकाज हो रहा है, आगे बाजारों में किस तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं, सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ मेटल बाजार की जानकारी, सोने चांदी में किस तरीके से कामकाज होगा, सारी जानकारी विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज की, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ की अगर बात करी जाए, तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट का बाजार 46,400 रुपए रहा। इसमें 100 रुपए पर टन की मामूली सी गिरावट देखी गई, जबकि एमएस स्क्रैप की अगर बात करेंगे तो 35,300 रुपए हो गया। जैसे कि कल हमने आप लोगों को बताया भी था, मॉर्निंग सेशन में जो लोग जुड़ते हैं उनको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये जो कन्वर्जन रेट है इस पर कुछ फैसला होने वाला है। कन्वर्जन रेट अगर कम होता है तो बाजारों में आप स्क्रैप के भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अगर कन्वर्जन रेट बढ़ता है तो बाजारों में गिरावट आएगी। तो कन्वर्जन रेट फिलहाल अगर देखा जाए तो 11,500 रुपये करने का वहाँ पर एसोसिएशन में, मंडी गोविंदगढ़ में एसोसिएशन, लुधियाना एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 11,500 रुपये इसको कर दिया जाए। अगर 11,500 रुपये पर टन अगर के हिसाब से कन्वर्जन होगा तो स्वाभाविक है स्क्रैप के भाव में गिरावट देखी जाएगी। ये कन्वर्जन रेट क्यों बढ़ाया गया यह भी आपको बता देते हैं। कन्वर्जन रेट इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि स्क्रैप इस समय बिल्कुल आराम से मिल रहा है, बाजारों में कोई शॉर्टेज नहीं है। कन्वर्जन रेट कम ज़्यादा जब किया जाता है, कम किया जाता है जब बाजारों में शॉर्टेज होती है, तो उस समय कन्वर्जन रेट को कम किया जाता है। और कन्वर्जन रेट इस समय आप देख रहे हैं, माल पर्याप्त मात्रा में स्क्रैप का मिल रहा है, बाजार में बिक्री का सपोर्ट प्रॉपर वे में नहीं है, इसलिए कन्वर्जन रेट को 11,500 करने का निर्णय लिया गया है। तो यह संभवतः आपको 2 से 4 दिन में होता हुआ दिखाई देगा, और 11,100 रुपये तो कल ही होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। तो यह भी आपको खबर बता दी कि किस तरीके से कन्वर्जन रेट का में आप बाजारों में देख सकते हैं। एमएस इंगट का बाजार कल का 46,400 रुपए, एमएस स्क्रैप का बाजार 35,300 रुपए रहा। इस पे 200 रुपए पर टन, इंगट पे 100 रुपए पर टन की गिरावट आई। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात करें तो 11,000 से 11,100 रुपए हो गया। कास्ट आयरन में मंडी को इनका टोका की अगर बात करें तो 39,500 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 40,500 रुपए रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो बाजार खुलने से पहले किस तरीके से आप कामकाज कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी रणनीति बना सकते हैं, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करें, खरीदें या सेल करके कामकाज करें या बेच करके, तो सारी जानकारी वहां पर सोमवार से शुक्रवार के दिन मिलती है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा तो आप जाइए और स्क्रीन पर नंबर जो फ्लैश हो रहा है वहां पर आप जाके जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा आप अगर हमको आप डायरेक्ट भी आप हमको यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं वहां पर भी आपको जानकारी आपको मिलती है। तो अब बात करेंगे HRC CRC कॉइल की क्या स्थिति रही। लुधियाना HRC कॉइल की अगर हम बात करें तो HRC कॉइल का बाजार 53,300 रुपए, CRC कॉइल का बाजार 59,800 रुपए रहा। गाजियाबाद HRC कॉइल का बाजार 53,500 रुपए, CRC सीट का बाजार 59,500 रुपए, कोलकाता HRC सीट का बाजार 52,100 रुपए, CRC सीट का बाजार 59,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। तो ये बाजारों में जो भी भाव हमने बताए हैं 1,000 kg के रेट हैं, इस पे आपको GST 18%, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचडी वायर की क्या स्थिति रही। इससे पहले आपको बता देते हैं विदेशी बाजारों में क्या हलचल हो रही है। आज विदेशी बाजारों में आयरन ओर के भाव में लगभग 1% की गिरावट देखी जा रही है। चीन के बाजारों में भी हल्की सी गिरावट के संकेत है, उसका असर आपको भारतीय बाजारों में देखने के लिए मिल सकता है। एक बार बाजार जिस हिसाब से स्थिति में चल रहा है तो बाजार एक बार 46,000 की स्थिति होती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसी के तहत अगर हम बात करेंगे रायपुर एचडी वायर की अगर क्या स्थिति रही। रायपुर एचडी वायर का बाजार 49,700 रुपए हो गया। जीआई वायर का बाजार 54,100 रुपए। एमएस पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 48,400 रुपए, जबकि रायपुर पाइप का बाजार 46,600 रुपए रहा। अब जान लेते हैं कुछ मंडियों के TMT के भाव क्या रहे। तो मंडी गोविंदगढ़ में TMT का भाव 51,200 रुपए, दुर्गापुर का भाव 47,200 रुपए, इंदौर का बाजार 51,500 रुपए, रायपुर का बाजार 46,200 रुपए, जयपुर का बाजार 49,600 रुपए, मुजफ्फरनगर का बाजार 49,900 रुपए, भावनगर का बाजार 52,700 रुपए, जबकि गाजियाबाद TMT का बाजार 50,800 रुपए पे कामकाज हुआ। जलना TMT 51,700 रुपए रहा। पटना TMT 49,400 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया।
तो इंगट पे जो गिरावट आई है उसका असर आपको टीएमटी के बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। ये भी जो टीएमटी के भाव बताए हैं सारे बेसिक रेट हैं, 18% इस पे जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डायरेक्ट डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग अलग लगाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्पॉन्ज आयरन में अगर बात करेंगे तो स्पॉन्ज आयरन में कुछ बढ़त देखी गई है। मंडी गोविंदगढ़ में स्पॉन्ज आयरन का बाजार 34,800 रुपए हो गया है, जबकि आप दुर्गापुर का बाजार 30,500 रुपए, रायगढ़ का बाजार आप देखेंगे रायगढ़ का बाजार 30,400 रुपए, रायपुर का बाजार 32,500 रुपए, राउरकेला का बाजार 30,000 रुपए होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, इसके बाद आपको बताएंगे आप मेटल बाजार में क्या स्थिति है, मेटल बाजारों में किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो अभी अगर मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट की सपोर्ट की बात करें तो 45,900 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 46,700 रुपए, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 34,800 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 35,600 रुपए बताया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सपोर्ट के लेवल है, सपोर्ट के आसपास खरीदारी करिए, रेजिस्टेंस के आसपास आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेटल बाजार में क्या स्थिति है। मेटल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो कॉपर में अच्छी तेजी है, 5 रुपए की तेजी के साथ 857 रुपए पे कामकाज हो रहा है। जिंक का बाजार 254 रुपए 70 पैसे है। लेड की बाजारों की अगर बात करें तो 191 रुपए 75 पैसे। एल्यूमिनियम के बाजारों में हल्की सी नरमी है, 235 रुपए 20 पैसे पे कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि निकल का बाजार स्थिर बना हुआ है। सोने चांदी की अगर हम बात करेंगे तो सोने चांदी का बाजार भी 82,658 रुपए, अब नया कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे तो 82,658 रुपए सिल्वर चल रही है, ये बाजार भी एक बार 80,000 रुपए तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने का भाव जबकि 71,287 रुपए के आसपास है। क्रूड ऑयल का बाजार 69,85 रुपए पे बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सारी जानकारी आपको मार्केट की हमने आपको बताई कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज हो रहा है। मेटल बाजारों में आप देखेंगे लेड जिंक में आप आने वाले समय में आपको और बढ़त आती हुई दिखाई देगी, कॉपर के बाजार और आगे तेज हैं। बाजारों में क्या स्थिति बनेगी सारे जानकारी आपको भी एग्जिट जाननी है, किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बनाएं, किस तरीके से आप कामकाज करें, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर आप जाइए और हमारे साथ आप डिटेल लीजिए और वहां पर जाके आप बॉन्डिंग हमारे साथ जुड़ के मार्केट का ट्रेंड, मार्केट के व्यू को समझ सकते हैं किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। तो ये मेटल बाजार की भी आपको जानकारी दे दी, सोने चांदी में ऑलरेडी आपको बता दिया कि बाजारों में थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, फिर वहां पर आप खरीदारी करेंगे तो फिलहाल बेटर रहेगा। तो ये जानकारी हमने आपको आपको बताई लोहे बाजार संबंधित, और आपको बता देते हैं आप चाहे हमको YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। अथेंटिकेट रेट की आपको जानकारी जाननी है तो अभी जाके डाउनलोड करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे मेटल बाजार के बारे में, आज जानेंगे क्या रेट देखा जा रहा है, मेटल के मार्केट में कैसा कारोबार चल रहा है, दिल्ली मुंबई एलवी एमसीएस के बाजार में, स्पॉट मार्केट में, फिजिकल बाजार में आपको कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है, विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मेटल के मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ आप कामकाज देखकर चल सकते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, पीतल, जिंक, निकल, इन सबके बाजार में आपको अच्छी खासी आज के दिन बाजारों में बढ़त देखने को मिल सकती है। तेजी को देखते हुए एलमी एमसीएस के बारे में बात करते हैं तो अच्छी बढ़त दर्ज करी गई है कॉपर में। एलमी में लेवल 9,971 चल रहा है, 858 रुपए 95 पैसे एमसीएस का रेट कॉपर में है। एल्यूमिनियम के बाजार में 2,568 रुपए का रेट एलमी में, 235 रुपए 80 पैसे कीमतें एमसीएस में चल रही हैं। लेड के मार्केट में 2,220 रुपए का रेट एलमी में, 192 रुपए 10 पैसे कीमतें एमसीएस में बाजार में देखी जा रही है। लेड में जिंक के बाजार में 2,879 रुपए का रेट चल रहा है एलमी में, 254 रुपए 95 पैसे का रेट एमसीएक्स में आप देख कर चल सकते हैं। जिंक में सोने के बाजार में 2,348 रुपए 50 पैसे का रेट कॉमिक्स में है, 71,410 रुपए का रेट एमसीएक्स में है। चांदी के मार्केट में 27 रुपए 58 पैसे का रेट कॉमिक्स में चल रहा है, 81,125 रुपए का रेट एमसीएक्स के बाजार में आप चांदी में देख कर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल के मार्केट में 84 रुपए 50 पैसे का रेट कॉमिक्स में है, 7,002 रुपए कीमतें एमसीएस के बाजार में चल रही हैं। एलएमई एमसीएस में अच्छी तेजी के साथ कामकाज देखा गया है। इसके अलावा स्पॉट मार्केट में फिजिकल बाजार में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, दिल्ली मुंबई के बाजार में आपको इस बारे में खबरों में आगे विस्तार जानकारी देंगे।
मगर इससे पहले अगर आपको मिडिल बाजार संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर आप रेंज जानना चाहते हैं, और बाजार खुलने से पहले पूरे दिन कैसे कारोबार बाजार में रहने वाला है, अगर आप ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, बाजार खुलने से पहले पूरी मेटल के बाजार से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी दी जाती है। तेजी मंदी के बारे में बताया जाता है, पूरे दिन कैसा ट्रेंड रहने वाला है, पूरे महीने कैसा ट्रेंड रहने वाला है, आपको पूरा मार्केट का प्रेडिक्शन बताया जाता है। इसे जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के बाजार के बारे में। तो बाजारों में कॉपर के बाजार में जो कल के दिन हल्की सी नरमी आई थी, आज बाजारों में दोबारा से रिकवरी देखी गई है। बहुत ज्यादा गिरावट मेटल के मार्केट में दर्ज नहीं करी जा रही है। दिल्ली मुंबई का जो स्पॉट मार्केट है, फिजिकल बाजार जो है, यहाँ आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं रेट के बारे में, तो कॉपर में बढ़त है। 870 रुपए का रेट कॉपर केबल स्क्रैप में, 858 रुपए का रेट कॉपर आर्मेचर में है। एल्युमिनियम के बाजार में तेजी, 179 रुपए का रेट एल्युमिनियम पुर्जे में चल रहा है। एल्युमिनियम बर्तन स्क्रैप में कीमतें 193 है। जिंक के बाजार में, जिंक हिंदुस्तान में कीमतें 260 है। लेड का जो रेट है वो 186 चल रहा है। एलआईबीटी में बढ़त दर्ज करी गई है, 206 रुपए का रेट एलआईबीटी में है। बैटरी स्क्रैप में कीमतें 101/121 चल रही है। तेजी के साथ यहाँ कारोबार हुआ है। निकल का जो रेट है वो 1590 है। ट्रिनागे में 3000 रुपए तक का आप दिल्ली के बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। पीतल में आज की कीमतें 548 है। एसएस बर्तन में आज का जो रेट है वो बाजारों में 64 रुपए चल रहा है। इसके अलावा मुंबई के बाजार के बारे में बात करते हैं, तो मुंबई के मार्केट में बाजारों में तेजी दर्ज करी गई है। जो फिजिकल बाजार है मुंबई का, उसमें कॉपर केबल स्क्रैप में कीमतें 844 है। कॉपर आर्मेचर का रेट 828 है। ब्रास स्क्रैप में कीमतें 538 है। एल्युमिनियम का जो रेट चल रहा है एल्युमिनियम स्क्रैप में 190 है। जिंक के बाजार में तेजी है, 253 रुपए का रेट जिंक में है, 193 रुपए का रेट लेड इंगट में देखा जा रहा है। टिन इंगट में बाजारों में 3040 रुपए तक की रेट आप देख कर जा सकते हैं। निकल कैथोड में आज का रेट 1615 है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। ट्रेडिंग रेंज के बारे में अगर बात करी जाए, तो रेट को देखते हुए सपोर्ट का अच्छा लेवल कॉपर के बाजार में 847 है। रेजिस्टेंस लेवल 858 है। लेड के बाजार में 185 रुपए का सपोर्ट काफी अच्छा है। रेजिस्टेंस लेवल 187 है। जिंक के मार्केट में 256 रुपए का अच्छा सपोर्ट का लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल 263 है। निकल के मार्केट में 1670 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल 1710 निकल में देखा जा रहा है। ओवरऑल आज का ट्रेंड मार्केट में आपको यहां से पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। रेट काफी अच्छा है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो मार्केट में इस रेट को देखते हुए, लेवल को देखते हुए, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास मेटल के मार्केट में आप गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहे बाजार के बारे में। लोहे के मार्केट में गिरावट के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है। इंगट के बाजार में जो कल के दिन जो रेट देखा गया था 46,500 के आसपास, कल तक जो बाजार चल रहा था मार्केट में, वहां से आज दोबारा से गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। और इंगट में आई गिरावट का असर आप TMT सरी पर ब्रांडेड कंपनियों पर देखकर चल सकते हैं। ब्रांडेड कंपनियों में बाजारों में आज गिरावट के साथ कामकाज देखा गया। इसके अलावा होलसेल का जो बाजार है, TMT सूत का जो मार्केट है, यहाँ पर भी नरमी दर्ज करी गई है। गिरावट आने के बाद फिलहाल अभी के लिए बाजार स्थिर है। रेट के बारे में बात करते हैं। TMT सरिया में ब्रांडेड कंपनियों में भारतम कंपनी का रेट 51,200 है। कामधेनु कंपनी कीमतें 58,801 है। केरू कंपनी में आज का रेट 58,301 चल रहा है। ज्योति कंपनी में 58,312 रुपए तक का रेट आप देखकर चल सकते हैं। फॉर्चून कंपनी में आज का जो रेट है वो 59,699 रुपए देखा जा रहा है। प्रबल कंपनी में आज की कीमतें 57,601 चल रही हैं। दुआबा कंपनी में आज का रेट 63,800 है। दीपक कंपनी में आज की कीमतें 50,800 चल रही हैं। अम्मा कंपनी का आज का रेट 55,800 रुपए देखा जा रहा है। TMT सरिये में जवाहरत कंपनी में आज की जो कीमतें हैं वो 57,300 चल रही हैं। शेर पंजाब कंपनी में आज का रेट 58,811 रुपए देखा जा रहा है। जिंदल कंपनी में आज की जो कीमतें हैं 50,500 रुपए आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा इंगट और स्क्रैप के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं, तो 46,300 रुपए तक का बाजारों में रेट देखा जा रहा है MS इंगट में। और जो MS स्क्रैप की कीमतें हैं, यहां पर भी बाजारों में स्टेबिलिटी नजर आई है। 35,200 रुपए पर बाजार आकर इस वक्त स्थिर हो चुका है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ब्रांडेड कंपनियों में ही नहीं, होलसेल के मार्केट में भी आज गिरावट के साथ ही कारोबार देखा गया है। TMT सूत में आज क्या रेट चल रहा है, जिंदल ब्रांड में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, कैसा ट्रेंड देखा जा रहा है, आपको विस्तार से खबरों में आगे इस चीज की जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको लाभ बाजार संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर आप रेंज जानना चाहते हैं कैसा कारोबार लोहे के मार्केट में रहने वाला है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा बाजार खुलने से पहले पूरी बाजार की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पूरे दिन कैसे कारोबार देखा जाएगा, मार्केट में तेजी मंदी के बारे में बताया जाता है, ट्रेंड के बारे में बताया जाता है।
तो बाजार से जुड़ी हर उतार चढ़ाव की खबर के लिए आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है टीएमटी सूद के मार्केट में। तो जिंदल ब्रांड में होलसेल के मार्केट में गिरावट आई है। 206 mm टीएमटी में कीमत 61.80 रुपये पर किलोग्राम है। 208 mm टीएमटी का रेट 61.80 रुपये पर किलोग्राम देखा जा रहा है। 310 mm टीएमटी में 60.60 रुपये पर किलोग्राम तक की कीमतें हैं। 412 mm टीएमटी का रेट 58.20 रुपये पर किलोग्राम आपको देखने को मिल सकता है। 516 mm टीएमटी में जो आज की कीमतें हैं वो 59.40 रुपये पर किलोग्राम चल रही हैं। 620 mm टीएमटी का रेट 59.40 रुपये पर किलोग्राम है। और 8 सूत यानी 25 mm टीएमटी में 59.40 रुपये पर किलोग्राम तक की आप यहां से बाजारों में कीमतें देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल जो रेट हमने आपको सारे बताए हैं ये होलसेल के रेट हैं और उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर संबंधित मंडियों कीमतें हैं। जिंदल ब्रांड के सभी टीएमटी सूत के रेट हैं और होलसेल के रेट होने की वजह से टीएमटी सूत रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट में इस प्राइस से 3 से 4 रुपए पर किलोग्राम मार्केट में महंगा जरूर मिल सकता है, लेकिन रेट अच्छा है। बाजार में गिरावट दर्ज करी गई है। अभी के लिए बाजार फ्लैट है, स्टेबल है, बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं है। तो मार्केट में अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो जरूरत के हिसाब से रेट को देखते हुए गिरावट पर अपनी खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। चार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहे के बाजार के बारे में। आज जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं लोहे के बाजार में, होलसेल में। बिलेट के बाजार में आज क्या रेट चल रहा है, क्या कीमतें देखी जा रही हैं। इंगट स्क्रैप में कैसा कारोबार चल रहा है, आपको कैसा कारोबार करना चाहिए, कैसा ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से चीज के बारे में जानकारी देंगे खबरों में आगे। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो लोहे के बाजार के बारे में बात करते हैं। लोहे के मार्केट में आज सुबह गिरावट के साथ बाजार खुला था। फिलहाल अभी के लिए बाजारों में फ्लैट कारोबार देखा जा रहा है, बाजार स्थिर है। 46,500 से मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। अब क्योंकि इंगट में गिरावट आई है तो उस चीज का आप इफेक्ट बिलेट के मार्केट में भी देखकर चल सकते हैं। रेट के बारे में बात करते हैं। बिलेट में मंडी गोविंदगढ़ में आज का जो रेट चल रहा है बिलेट के बाजार में वो 43,600 है। दुर्गापुर में कीमतें 43,300 बिलेट में देखी जा रही है। रायगढ़ में रेट आज का 42,500, रायपुर कीमतें 42,800 चल रही है। जयपुर में आज का बिलेट का रेट 45,700 रुपये देखा जा रहा है। कोलकाता में आज की कीमतें बिलेट में 44,000 है। मुजफ्फरनगर का आज का रेट 46,400 है। मुंबई कीमतें 45,700 बुलेट में देखी जा रही हैं। गाजियाबाद का जो आज का रेट है वो 46,600 चल रहा है बुलेट में। लुधियाना में कीमतें 46,600 बुलेट में आपको देखने को मिल सकती हैं। इंगट और स्क्रैप के बाजार के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट में इंगट के बाजार में भी मार्केट में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, स्थिरता के साथ कारोबार हो रहा है। 46,300 रुपये तक का रेट एमएस इंगट में है और एमएस स्क्रैप में कीमतें 35,200 हैं। होलसेल के रेट में भी गिरावट है। नए लोहे में जो आज का रेट देखा जा रहा है होलसेल का वो 49 रुपये पर किलोग्राम है। प्राइम लोहे में कीमतें 31 रुपये पर किलोग्राम देखी जा रही हैं। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो आपको बाजारों में स्टेबल देखने को मिलेगा। फ्लैट बाजार देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। रेट काफी अच्छा है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से आप लोहे के मार्केट में यहां से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और लोहा बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching. Bureau Report, News Market 24.